हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं टेक्नो अपलिफ्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको अपने विंडोज 10 11 में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त एक एरर मैसेज पॉपअप होता है कि दिस ऐप कांट रन ऑन योर पीसी, तो इसका सीधा एक मतलब ये होता है कि अगर आपका जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसका जो वर्जन है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन से मैच नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 है, 32-bit का है, और अगर आपने पब्लिशर की वेबसाइट से जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वो 64-bit का है, तो यहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी प्रॉब्लम आएगी और आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा। तो इसका सिंपल फिक्स ये है, आपको अपने विंडोज सर्च पे क्लिक करना है, टाइप करना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन, एंटर करिए, और यहाँ पे सिस्टम टाइप में तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि तुम्हारा कौन सा जो है बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर x64 है तो इसका मतलब 64 है, अगर x86 है तो 32-bit वाला ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा यूज़ हो रहा है। तो अब अकॉर्डिंगली जो भी तुम्हारा बिट है, अपनी पब्लिशर वेबसाइट पे दोबारा जाओ जहाँ से एप्लीकेशन तुमने डाउनलोड किया है, वहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, और यहाँ पे तुम्हें x64 x86 देखने को मिल जाएगा। तो अगर मान लो मेरा 64-bit है तो यहाँ से भी मैं 64-bit वाला ही डाउनलोड करूँगा, और उसके बाद डाउनलोड होने के बाद जब तुम इंस्टॉल करोगे तो तुम्हें ये फिर एरर मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। तो होप सो तुम्हारा यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इन केस अभी भी नहीं होता है तो नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, अपने विंडोज़ आइकन पे राइट क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पे डेवलपर मोड वाला ऑप्शन मिलेगा, सर्च करो, और सर्च करने के बाद एंटर करो, डेवलपर मोड को यहाँ से इनेबल कर दो, उसके बाद क्लोज करो, फिर अपने विंडोज सर्च पे क्लिक करो, टाइप करो विंडोज सिक्योरिटी, और यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी ओपन होने के बाद ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे चेक ऐप्स एंड फाइल वाला ऑप्शन आएगा, इसे तुम्हें यहाँ पे डिसेबल कर देना है। अब उसके बाद जो तुमने एप्लीकेशन डाउनलोड करी है, सेटअप फाइल डाउनलोड करी है, उस सेटअप फाइल पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज चूज करो, टॉप मेन्यू ऑप्शन में कंपैटिबिलिटी पे क्लिक करो, और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रन दिस प्रोग्राम इन कंपैटिबिलिटी मोड, इसे यहाँ से चेक करके हाइएस्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लो, लाइक विंडोज 8 है तो विंडोज 8 यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद रन दिस एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वाले बॉक्स को भी चेक कर दो, अप्लाई करो, ओके करो, अब सिस्टम को रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, तुम्हारा इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। तो होपफुली गाइस ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल होगी और तुम्हारा इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई सवाल होता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।